नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरोबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIEEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 21 बाजार को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIEEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ बाजार शहर और गांव के विभिन्न प्रकार के बाजारों का वर्णन करता है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पढ़ाए गए पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, वे इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, शब्दावली बढ़ाते हैं, अभिव्यक्ति मुखर होती है उनकी और साथ ही साथ उनकी लेखन शैली भी विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। जहाँ तक पूर्व प्रबंधन की बात करें तो छात्रों के लिए शिक्षक कुछ कलरफुल चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते का बॉक्स इनका अरेंजमेंट करते हैं। गतिविधि शुरू करने के लिए शिक्षक के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे गतिविधि करने से एक दिन पहले ही शिक्षक छात्रों से कह देते हैं कि कल आप पढ़ाए गए पाठ में से नए शब्द, समाचार, अपने मन की बात, कठिन शब्द या कोई भी कविता या कहानी एक पर्ची पर लिखकर लेकर आएंगे। पीछे आप अपना नाम भी लिख कर लाएंगे। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा के सभी छात्र इस प्रकार की एक पर्ची बनाकर लाएं, जिसमें या तो वे नए शब्द लिखें या अपने मन की बात लिखें या इस कविता या कहानी से कोई भी रिलेटेड कोई कठिन शब्द इत्यादि लिख करके लेकर आएं। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से एक बात और ध्यान में रखी जाती है कि कक्षा में सभी छात्रों का बारी आ जाए, सभी छात्रों को समान अवसर मिले। पहले ही इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और व्याख्या करवा दी गई हो, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि जो छात्र वर्ड बोल नहीं पा रहे हैं या वे अपनी गतिविधि के लिए अपनी प्रस्तुति नहीं दे पा रहे हैं तो शिक्षक उनकी मदद करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को पाठ में प्रयुक्त हुए क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ बाजार। अब जब नवाचारी शिक्षक कक्षा के अंदर बच्चों को ये गतिविधि करवाते हैं, उससे पहले वे इस खेल के नियम बताते हैं। वे बच्चों को कहते हैं कि आज आप जो पर्ची में शब्द लिख करके लाए हैं वो एक बॉक्स में हम इकट्ठा कर देंगे। कक्षा में से मैं किसी एक छात्र को कहूँगा, वो आगे आएगा, इस बॉक्स में से पर्ची उठाएगा और उसमें लिखा शब्द पढ़ेगा और उसके बाद उससे संबंधित क्रिया शब्दों को बोलकर सुनाएगा इस और उसका एक वाक्य भी बनाएगा। इस प्रकार से ये खेल के नियम बताए जाते हैं। अब खेल शुरू करवाने से पहले शिक्षक छात्रों को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि क्या आप इस बॉक्स को डेकोरेट करना चाहते हैं। वे कलरफुल चार्ट पेपर से उस बॉक्स को डेकोरेट करवाते हैं, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में उस पर शब्द सागर लिखवाते हैं, बच्चों को खेल का नाम बताते हैं कि इस खेल का नाम है शब्द सागर और वो पर्चियां उस बॉक्स में इकट्ठी कर दी जाती है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कक्षा में किसी एक छात्र को आगे बुलाया गया और उस छात्र ने उसमें से एक पर्ची निकाली। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि जब सभी लड़के बाग में खेलते हैं। अब उस बच्चे ने जोर से बोला कि इसमें क्रिया शब्द खेलना है। इसी प्रकार से जब दूसरा कोई स्टूडेंट आगे आता है और वह एक पर्ची निकालता है और उसमें एक शब्द लिखा है, एक वाक्य लिखा है, मैं बाजार जाता हूँ, और वह बताता है कि इस सेंटेंस के अंदर क्रिया शब्द जाना है। इस प्रकार के सभी बच्चे वन बाय वन आगे आते हैं, पर्ची निकालते हैं, वाक्य पढ़ते हैं और उसमें से क्रिया शब्द बताते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे पढ़ी हुई रचनाओं, विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों, शीर्षक इत्यादि के बारे में वे आपस में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, भाषा की बारीकियों को समझते हुए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी स्वयं की भाषा गढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा गया, जैसे इस पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षक बच्चों को शब्दों या वाक्यों के साथ साथ एक चित्र बनाने के लिए भी कहते हैं, ताकि जो बच्चे वाक्य या शब्द नहीं बोल पा रहे वे चित्र को देखकर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों से वन बाय वन कुछ प्रश्न भी पूछते हैं ताकि सभी छात्रों की सहभागिता इस गतिविधि में बनी रहे।
सभी छात्रों को समान अवसर दिया जाता है। विद्यार्थियों को शब्द उच्चारण और वाक्य निर्माण के लिए इस गतिविधि को आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे पारस्परिक संबंध, प्रभावी संप्रेषण, गहन सोच इत्यादि का विकास होता है और उनमें निहित मूल्य जैसे दृढ़ता आदि का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस चैप्टर को इस नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।